चलो दोस्तों, कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है, ए बी सी ए कार्य को क्रमशः 24 दिन, 9 दिन, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 3 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने कितने दिनों में पूरा किया? अब आप इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा आपका 72। 72 को अगर आप 24 से भाग करते हैं तो आपका आता है 3, और 9 से भाग करते हैं तो आता है 8, और 12 से भाग करते हैं तो आता है 6। ये आ गया आपका टोटल वर्क, ये आ गई आपकी कार्य क्षमता यानी एक दिन का कार्य यानी एक दिन का वर्क, यानी ए एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, तो 24 दिन में 72 काम यानी काम को पूरा कर सकता है, और बी एक दिन में 8 कार्य कर सकता है, और सी एक दिन में 6 कार्य कर सकता है। तो पूछा क्या है, बी तथा सी ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया। अगर बी और सी मिलकर कार्य करना आरंभ करेंगे तो बी एक दिन में 8 यूनिट कार्य करेगा और सी एक दिन में 6 यूनिट। 8 और 6 आपका हो गया 14, यानी एक दिन में वह 14 कार्य करेंगे, और 14 कार्य कितने दिन करेंगे? 3 दिन। तो आपका कार्य कितने कर देंगे? 42। आपका टोटल कार्य कितना है? 70। 70 में से अगर 42 माइनस कर देते हैं तो हमारा कार्य कितना बच जाता है? 30। यानी हमारा 42 कार्य कर कर ए और बी ने काम छोड़ बी और सी ने काम छोड़ दिया। अब ए काम करता रहता है तो शेष कार्य ए ने कितने दिन में पूरा किया होगा? यानी शेष कार्य को कितना बच गया? 3। और ए एक दिन में कितना कार्य करता है? 3। तो 30 कार्य को कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में। तो ये आपका राइट आंसर है। शेष बचे कार्य को ए 10 दिन में कर देगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, ए तथा बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, ए बी तथा सी इसे 8 दिन में कर लेते हैं, सी अकेला इस काम को कितने दिन में करता? ए प्लस बी तो करते हैं 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। एलसीएम लेंगे तो आएगा 24, 12 × 24, 8 × 24, ये आ गया आपका टोटल वर्क, और ये आ गया आपकी एफिशिएंसी यानी एक दिन की कार्य क्षमता, यानी एक दिन में ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करें तो एक दिन में 3 कार्य कर पाते हैं, परंतु ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें तो एक दिन में 2 ही कार्य कर पाते हैं। अब सी अकेला एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कर पाते हैं 3, परंतु ए और बी मिलकर एक दिन में कर पाते हैं 2, इसकी जगह हम 2 रख लेते हैं, और ये सी और ये 3। सी की वैल्यू निकालेंगे एक दिन की तो 3 − 2 हो जाएगा आपका, जो कि आएगा 1, यानी सी एक दिन में 1 ही कार्य कर सकता है। तो आपके पास कार्य कितने हैं? टोटल 24, और एक दिन में वह कितना कार्य करता है? 1। तो कितने दिन लगेंगे उसे?
24 दिन लगेंगे उस कार्य को पूरा करने में। तो ये आपका राइट आंसर है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। ए अकेला एक कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकें तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर लेगा। इसने बताया अगर ए अकेला कार्य करे तो 18 दिन में कर देता है और बी अकेला कार्य करे तो वह 12 दिन में कर सकता है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनका एलसीएम आ गया आपका 36, यानी 18 को 36 से भाग किया तो 2, 12 तिया 36, 4 निमा 36, ये आ गया आपका टोटल वर्क। ये आ गया एक दिन का कार्य, यानी एक दिन में तीनों मिलकर तो करेंगे 9 कार्य और बी अकेला करेगा 3 कार्य और ए अकेला एक दिन में करेगा 2 कार्य। अगर 9 में से हम इन दोनों को घटा देते हैं ए बी का 5, यानी ए प्लस बी प्लस सी माइनस किसका घटा दिया ए बी का। अगर ए बी घटा देते हैं तो सी का बचा था आपका, सी का कार्य कितना बचा 4, यानी ए बी सी एक दिन में 9 कार्य कर रहे हैं तीनों मिलकर हैं, परंतु एक दिन में बी अकेला 3 कार्य कर रहा है और ए अकेला 2 कार्य कर रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य करेंगे और तीनों कर रहे हैं 9, तो सी कितना कार्य कर रहा है 4, यानी 36 कार्य करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 9 दिन लगेंगे। 36 टोटल कार्य है, एक दिन में 4 करता है तो 9 दिन में वह कार्य पूरा कर देगा। ये आपका राइट आंसर है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिया गया है। ए काम को 20 दिन में तथा बी 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, बाद में ए काम को छोड़कर चला गया तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए तो कर सकता है 20 दिन में और बी कर सकता है उसे 30 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। ये आपका हो गया टोटल कार्य, यानी टोटल वर्क। यदि एक दिन का कार्य निकालते हैं हम, यानी इनकी एफिशिएंसी कार्यक्षमता, तो इसकी आएगी 3 और इसकी आएगी 2, यानी एक 20 कार्य 20 दिनों में करता है और 60 कार्य करता है तो एक दिन में 3 कार्य करता है, यानी 60 को मैंने 20 से भाग कर दिया और 60 को 30 से भाग करेंगे 2, यानी ए तो एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है। दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य करता है ये और एक दिन में 2, यानी मिलकर कितना कार्य करेंगे 5 और कितने दिन कर दिया 4, तो आपका टोटल कार्य कितना हो गया 20 कार्य हो गया और टोटल कार्य कितना था 60। अगर 60 में से 20 घटा देते हैं तो आपको आता है 40 कार्य। ये कार्य आपका कितना बच गया शेष, यानी शेष कार्य तो बच गया आपका 40। अब इसने क्या कहा है कि बाद ए काम को छोड़कर चला गया, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी 40 काम करने हैं और ए तो कर चला गया काम छोड़कर और बी को करने हैं। बी एक दिन में कितने कार्य करता है 2, अगर बी एक दिन में 2 करता है तो 40 कार्य को कितने दिन में कर देगा 20 दिनों में कर देगा, जो कि आपका राइट आंसर है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या दिया गया है। ए काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 10 दिनों में कर पाता है, दोनों मिलकर उस काम को शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा।
ए तो कर सकता है 15 दिन में और बी कर सकता है 10 दिन में, तो इनका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या 30। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, 15 दुना 30, 10 दिया 30, ये आ गया आपका कुल कार्य यानी टोटल वर्क। और ये क्या आ गया, एक दिन की आपकी कार्य क्षमता यानी एक दिन का कार्य करने की क्षमता एफिशिएंसी, यानी एक दिन में ए 2 कार्य कर सकता है और बी एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, तभी 30 10 दिन में 30 कार्य पूरा कर सकता है, और ए एक दिन में 2 कार्य कराता है तो 15 दिन में वह कार्य पूरा कर देगा। इसने पूछा क्या है, दोनों मिलकर उस कार्य को शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद भी काम छोड़ता है, यानी 2 दिन तो उन दोनों ने मिलकर कार्य किया होगा, यानी 2 ए करता है और 3 बी करता है, टोटल कार्य कितना हो गया 5। 5 कार्य है वह 2 दिन करते हैं तो कार्य कितना कर दिया 10, और टोटल कार्य कितना है आपका 30। 30 में से 10 तो कर दिया ए और बी ने मिलकर, बचा कितना 20 कार्य। परंतु अब वह क्या कह रहा है, बी चला गया काम छोड़कर, शेष कार्य एक दिन में पूरा करेगा, यानी ए अकेला एक दिन में 2 कार्य करता है तो 20 कार्य करने में कितना दिन लगेगा उसे, 10 दिन। ये आपका राइट आंसर है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया गया है ए और बी ए काम को 15 तथा 10 दिन में पूरा करते हैं, दोनों एक साथ काम को करना शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी 5 दिन में करता है, बताइए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। आपका ए तो कर सकता है 15 दिन में और बी आपका कर सकता है 10 दिन में, इनका एलसीएम लेंगे तो आपका 30 आएगा, 15 दुना 30, 10 दिया 30, यानी ये आ गई आपकी एक दिन की कार्य क्षमता और ये आ गया आपका कुल कार्य। अब क्या कहता है ये, अब यह कहता है दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी 5 दिनों में करता है, यानी शेष काम बी ने 5 दिनों में किया और शुरू में ए और बी दोनों ने मिलकर कुछ दिन काम किया था, परंतु कुछ दिनों बाद ए ने छोड़ दिया। हमें यह नहीं दिया गया कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, यह पूछा गया है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा गया, यानी शेष बचा हुआ कार्य बी ने 5 दिन में पूरा किया, यानी 5 दिन में कितना कार्य कर गया 15, यानी वह एक दिन में 3 कार्य करता है तो 5 दिन में कितना कार्य कर दिया 15 कार्य कर दिया उसने, टोटल कार्य कितना था 30, उसमें से कितना कार्य गया 15, 15 कार्य बचा आपका, यह आपका कार्य शेष है। परंतु यह कह क्या रहा है, 15 कार्य ए और बी दोनों ने मिलकर किया कुछ दिन और उसके बाद ए छूट कर गया, यानी ए तो करता है 2 कार्य और बी करता है 3 कार्य, एक दिन में 5 कार्य किया होगा तो उन्होंने 3 डेज कार्य किया होगा, यानी 3 डेज में 15 कार्य निपटा दिया और बचा कितना 15, जो कि शेष काम बी ने 5 दिन में पूरा कर दिया, तो आपका राइट आंसर क्या है, 3 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया है ए और बी ए काम को 9 तथा 12 दिनों में करते हैं, ए ने काम शुरू किया तथा एक दिन छोड़कर वे काम करते हैं, कितने दिनों में काम हो जाएगा। यानी ए तो कर सकता है 9 दिन में और बी उसे कर सकता है 12 दिन में, तो इनका एलसीएम कितना आ गया आपका 36, 9 चौक 36, 12 दिया 36, यानी ये तो आ गया आपका कुल कार्य और ये आ गया आपका एक दिन का कार्य, यानी वह एक दिन में
ए तो कर सकता है 4 कार्य और बी कर सकता है दिन में 3 कार्य। अगर ए आए पहले दिन, इसने कहा है कि ए ने काम शुरू किया, अगर पहले दिन ए आएगा, पहले दिन आया कितना कार्य किया उसने, 4। एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, दूसरे दिन कौन आएगा, बी। एक दिन आएगा और कितना कार्य करके जाएगा, 3। यानी 2 दिन में मिलकर कितना कार्य हुआ, 7। यानी 2 दिन में मिलकर कितना कार्य हो रहा है आपका, 7 कार्य हो रहा है। करना कितना है, 36। यानी हमें कार्य करना है 36, परंतु हम इसकी मल्टीप्लाई में कुछ करा देते हैं, 7 5 35, यानी 5 गुणा किया है तो 35 गुणा इसका भी 5 करेंगे तो 10 दिन में वह कितना कार्य कर देंगे, 35 कार्य कर देंगे। 10 दिन में दोनों मिलकर 35 कार्य कर देंगे, परंतु 11वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। यानी बी कार्य जो पहले ए कर रहा है तो 11वें दिन भी ए आएगा, 11वें दिन ए आएगा तो कितना कार्य करेगा, 4 कार्य करेगा, पर बच्चा कितना हुआ है, 1 कार्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 सही, 1/4 दिन में कार्य पूरा होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। इसे मैं आगे पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ। यानी ए पहले दिन आएगा तो कितना कार्य करेगा, 4। दूसरे दिन बी आएगा कितना कार्य करेगा, 3। 7 कार्य हो गया। ऐसे फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, कितना हो गया आपका, 7। 14 7 21। फिर मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ एक बार, यानी फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा और फिर बी आएगा, कितना कार्य हो गया, 4 और 3 7, 7 7 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। यानी अब कार्य कितना दिन का हो रहा है, 2 2 4, मैं लिख देता हूँ, 2 दिन में ये हुआ, 2 दिन में ये हुआ, और 2 दिन में ये हुआ, 2 दिन में ये, 2 दिन में ये, दिन कितना लग गया, 2 4 6 8 10 दिन लग गए, परंतु यहाँ तक आपका काम कितना हुआ है, 35 तक। यानी आपका काम 35 हुआ है, कितना बच गया, 10 दिन में 11वें दिन आएगा तो काम तो करना है उसे 1, और वह करता कितना है, 4। तो 10 सही, 1/4 आपका राइट आंसर हो। अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया गया है, ए और बी एक काम को 9 तथा 12 दिनों में करते हैं, यदि बी ने उस काम को करना शुरू किया तथा एक दिन छोड़कर वे काम करते हैं, कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। यानी ये ए आपका 9 दिनों में और बी आपका 12 दिनों में, ए आपका करता है 9 दिन में और बी आपका करता है 12 दिन में, तो हम इनका एलसीएम लेंगे 36, ये आ गया आपका 4, ये आपका 3। यानी 2 दिन में वह कार्य करेंगे कितना, 7, तो 35 कार्य गुणा 5 गुणा 5, यहाँ पर 35 कार्य कर दिया उन्होंने 10 दिन में। यानी 2 दिन में 7 कर रहे हैं तो हमने इसमें सिमेट्री लगा दी, क्योंकि 35 तक करा लेते हैं, 7 की मल्टीप्लाई में 35 आता है, 5 गुणा 5 गुणा, यानी 35 कार्य कर रहा है तो कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। परंतु इस क्वेश्चन में कहा क्या है इसने, यदि बी ने उस काम को शुरू किया, क्योंकि अगर बी आएगा तो आगे भी बी आएगा, यानी पहले दिन बी आता है, दूसरे दिन ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए, ए के बाद में तो खत्म हो जाता है ना, फिर आएगा तो बी पहले, तो उसके बाद में 11वें दिन कौन आएगा, बी। यानी 10 दिन के बाद कौन आएगा,
बी, काम कितना बचा हुआ है एक, और कर्ता कितना है बी तीन, इतने दिनों में आपका काम पूरा हो जाएगा। अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या दे रखा है, ए और बी काम को क्रमशः 5 दिन तथा 7 दिनों में करते हैं। यदि ए ने काम शुरू किया तथा एक दिन छोड़कर वे काम करते हैं, कितनों दिनों में काम पूरा हो जाएगा? पांच और सात आ गया आपका, एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा 35, यानी एक दिन में 7 काम कर सकता है ये, और ये एक दिन में कितना कार्य कर सकता है 5। ये तो आपका आ गया टोटल वर्क। और ये आ गया आपका एक दिन का कार्य। ए ने काम शुरू किया तथा एक दिन छोड़कर वे काम करते हैं, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 2 दिन में कितना काम हो रहा है यहाँ पर? 12 काम हो रहा है। करना कितना है 35, 12 तिया 36, ज़्यादा हो रहा है, काम कम है तो हम कम पर लेते हैं, 12 दूना 24, यानी 24 कार्य कितने दिनों में होगा? गुणा दो करेंगे इसको भी, इसको 2 गुणा किया तो इसको भी 2 गुणा, यानी 4 दिनों में 24 काम हो जाएगा। परंतु इसमें आ कौन रहा है? ए पहले, तो 5वें दिन कौन आएगा? ए। 5वें दिन आएगा और कितने कार्य कर जाएगा? 7। कितना कार्य हो गया 5 दिनों में? 5 दिनों में आपका कार्य हो गया 31। अब कौन आएगा? बी आएगा, इसके बाद ए के बाद बी आएगा। बी आएगा, कार्य तो बचा हुआ है आपका 4 और करता है वो 5, यानी कम दिन लगेगा उसे, 5 सही 4/5, यानी 5 दिन तो उसको लग गए, और 4 काम करना है और 5 करता है, 5 सही 4/5 दिन उसे लगेगा, जो कि आपका राइट आंसर है। अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया गया है, ए और बी काम को क्रमशः 5 दिन तथा 7 दिनों में करते हैं। यदि बी ने काम शुरू किया तथा एक दिन छोड़कर वे काम करते हैं, कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? ए तो करता है 5 दिन में और बी करता है 7 दिन में। इसमें बी ने काम शुरू किया है पहले, तो इनका एलसीएम आ गया 35, 5 7 35, 7 5 35, ये आ गया आपका टोटल है कार्य, और ये आ गया एक दिन का कार्य, यानी एक दिन में ए 7 कार्य कर सकता है और बी आपका 5 कार्य कर सकता है। तो 2 दिन में कितना कार्य कर देंगे? यानी एक दिन में तो 7 कार्य ये करके चला जाएगा, और दूसरे दिन आएगा ये है 5 कार्य करने के लिए, तो 2 दिन में कितना कार्य करके बग जाएंगे? 12 कार्य कर देंगे, 12 दूना 24, 2 दूना 4, यानी 4 दिनों में वह 24 कार्य कर देंगे। और 5वें दिन कौन आएगा? बी, यानी पहले बी आ रहा है तो 5वें दिन में बी आएगा, यानी पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, इसमें कौन कर रहा है? पहले बी, तो पहले बी आया था फिर ए आया, पहले दिन बी, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन बी, चौथे दिन ए, 5वें दिन तो फिर बी आएगा, यही मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर 5वें दिन आएगा बी, तो बी आएगा तो 5वें दिन आएगा, यानी एक दिन लिख देता हूँ मैं, एक दिन और कार्य करके जाएगा, कितना करके चला जाएगा दिन में? 5, यानी 5 दिनों में कितना कार्य हो गया? 29। अब कौन आएगा? ए आया काम करने के लिए, काम कितना बचा हुआ है आपका 6, और वह करता है एक दिन में कितना है 7, यानी आपका काम तो बचा हुआ है 6 और करता वह है 7, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 सही 6/7, ये आपका राइट आंसर है, यानी आपका
काम कम रह रहा हो और कर रहा हो ज्यादा, तो आप उसी दिन के साथ उससे भिन्न लगा देंगे, यानी 5 सही 6/7। अब आगे क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, ए और बी काम को क्रमशः 18 दिन तथा 24 दिन में करते हैं। यदि ए ने काम शुरू किया तथा एक दिन छोड़कर वे काम करते हैं, कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? ए तो करता है 18 दिन में और बी करता है उसे 24 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 72। 18 चौके 72 है, 24 दिया 72 है, ये आपका आ गया कुल कार्य यानी टोटल वर्क है, और ये आ गया आपका एक दिन का कार्य यानी एक दिन की कार्य क्षमता या एक दिन की एफिशिएंसी यानी एक दिन में कार्य करने की अक्षमता, यानी ए एक दिन में 4 कार्य कर सकता है और बी एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, परंतु यह कह रहा है एक दिन छोड़कर भी काम करे, यानी पहले दिन ए आया दूसरे दिन बी आया, यानी इसने कहा है ए ने काम शुरू किया तो पहले दिन ए आया तो कितने काम करके गया, एक दिन में एक कितना कार्य करता है 4, और दूसरे दिन कौन आया बी कितना करके गया 3, यानी 2 दिन में कितना काम पूरा हुआ 7, करना कितना है 72। तो हम 7 की मल्टीप्लाई में देखते हैं 72 के पास क्या होता है, 7 गुणा 10 करेंगे तो आपको 70 हो जाएगा, यानी 70 काम, गुणा 10 करेंगे तो दिन हो जाएंगे यानी 20 दिन, 20 दिनों में आपका काम हो गया 70। अब पहले कौन आएगा, ए जो काम कर रहा है वही पहले आएगा, यानी 21वें दिन कौन आएगा, एक दिन और काम करके जाएगा कौन, ए। ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 कार्य करता है, परंतु कार्य कितना है बचा है 2, तो आप क्या कर देंगे 20 सही। जब मैंने बताया था कि कार्य करने वाला ज्यादा हो और काम कम हो तो आप जितने दिन आए हैं उसी के साथ भिन्न बनाकर लिख देंगे, यानी 20 दिन और कार्य करना कितना है आपको, यहां पर बचा हुआ कार्य 2, करता कितना है 4, यानी 1/2 दिन में वह कार्य पूरा कर देगा, यानी पूरे दिन में तो वह कार्य करता है 4 और आधे दिन में कर देगा 2, यानी आधा दिन लगेगा उसे, 20 सही 1/2 दिन में वह कार्य पूरा कर देगा। अब मैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको क्या दिया गया है, ए और बी क्रमशः 39 दिन तथा 26 दिनों में करते हैं काम को। यदि बी ने काम शुरू किया तथा ए एक दिन छोड़कर बी ने काम शुरू किया तथा एक दिन छोड़कर वे काम करते हैं, कितने दिनों में काम पूरा होगा? यानी ए तो करता है आपका 39 दिनों में काम पूरा और आपका बी करता है 26 दिनों में पूरा, तो आपका एलसीएम कितना आ गया, इसमें 13 कॉमन है तो आपका कितना आएगा, यानी यहाँ पर 2 2 बच गया, 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, यानी 39 दूना 78 इसका एलसीएम आ गया, इससे भाग करेंगे तो आएगा 2 और 26 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 3, यानी ए तो एक दिन में करता है 2 कार्य और जो बी है ना वह करता है आपका एक दिन में 3 कार्य। अब इसने क्या कहा, बी ने काम शुरू किया, एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, बी ने काम शुरू किया, ये आपका टोटल वर्क आ गया 78 और ये एक दिन का कार्य आ गया आपका, यानी बी ने कार्य शुरू किया तो पहले दिन कौन आया बी और दूसरे दिन कौन आया ए, कितना कार्य किया 2, यानी 2 दिन में एक और एक 2 दिन में कितना काम हुआ आपका 5, करना कितना है 78। मैं 15 गुना कर देता हूँ, 15 5 75 और 15 दूना, यानी इसको भी 15 से गुना किया तो इसको 15,
मैं 15 से गुणा इसलिए कर रहा हूँ कि अब हमारा काम तो है 78, यानी 78 के आसपास बग जाए, 78 से ऊपर ना जाए, क्योंकि 78 काम ही करना है तो 78 से ज़्यादा तो कर नहीं सकते हम, 78 से कम कर सकते हैं। यानी 16 5 से करता तो मैं 80 हो जाता, यानी 80 काम कर देता, पर करना क्या है 78, तो हम कितना उसे कम रखना होता है, यानी 15 5 75 काम कर दिया। और कितने दिनों में किया इसको, 15 से गुणा किया तो इसको 15 से गुणा करेंगे तो आपको कितने दिनों में, 30 दिनों में हमने 75 काम कर दिया, यानी 30 दिनों में हमने काम कर दिया 75। और 31वें दिन कौन आएगा, इसमें कौन पहले आ रहा था, बी, तो 31वें दिन तो बी आएगा। बी काम कितना करता है, तीन, तीन कार्य वक्र के बग जाएगा, यानी काम आपका 78 पूरा हो जाएगा। कितने दिनों में, 31 दिनों में, तो ये आपका 31 दिन राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको क्या दिया गया है, ए एक काम के एक तिहाई भाग को 5 दिन में, बी उस काम के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी जो ए है ना, वह किसी काम का 1/3 हिस्सा कितने दिन में करता है, 5 दिन में। कोई काम अपने आप में कितना पूरा होता है, एक, अगर परसेंटेज में माने तो 100%, यानी एक काम को कितने दिन में कर देगा, 5 गुणा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/1, यानी ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, यानी 1/3 हिस्सा 5 दिन में करता है, तो पूरा काम तो 15 दिन में कर देगा। और बी के लिए इसने क्या कहा है, बी 2/5 हिस्से को 10 दिन में करता है, 2/5 हिस्से को 10 दिन में करता है, अगर वह पूरा एक हिस्से को करेगा तो कितना टाइम लगेगा, यानी 2/5 हिस्से को तो करता है 10 दिन में, यानी 10 गुणा 5/2 कर देंगे, 25 आ जाएगा, यानी बी आपका करेगा कितने दिन में, 25 दिन में। ए तो पूरे काम को कर सकता है 15 दिन में, और बी पूरे काम को कर सकता है 25 दिन में। ए और बी ले लेता हूँ मैं, ए तो कर सकता है 15 दिन में और बी कर सकता है 25 दिन में, इनका एलसीएम लेंगे तो आप आएगा 75, 15 5 75, 25 दिया 75, ये आ गया आपका कुल कार्य, और ये आ गया आपका एक दिन का कार्य, यानी कार्य करने की अक्षमता। अब इसने कहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, यानी ए एक दिन में 5 कार्य कर रहा है और बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3, आपका कार्य कितना है, कुल कार्य 75, और कुल कार्य एक दिन में कर कितना रहे हैं, 8, 8 9 72, बचा कितना, 3, 3/8, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वे दोनों मिलकर 9 सही 3/8 दिन में काम को पूरा कर देंगे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। ए किसी काम को 50 दिन में पूरा करता है, उसने 10 दिन काम किया, शेष काम भी अकेले ने 60 दिन में पूरा किया, दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी यह ए किसी काम 50 दिन में कर सकता है परंतु उसने 10 दिन कर दिया, ए है ना, वह किसी काम को 50 दिन में तो पूरा कर सकता है और 10 दिन उसने कर दिया, तो यानी उसने कितना हिस्सा कर दिया, 1/5 काम कर दिया, यानी 5 काम में से उसने एक काम तो कर दिया, यानी कोई पूरा कार्य तो 50 दिन में करता है परंतु 10 दिन कर दिया, यानी पूरा कार्य तो 50 दिन में और 10 दिन किया तो कितनावा हिस्सा किया, 5वां हिस्सा उसने काम कर दिया, यानी 5 हिस्सों में से एक काम हिस्सा उसने कर दिया, तो आपका बचा कितना, यानी टोटल कार्य कितना होता है, 1, और परसेंटेज में 100%, 1 में से 1/5 गया तो आपका कितना आया, 4/5, जो काम क्या किया है, बी ने, बी ने 4/5 हिस्सा 60 दिन में पूरा किया, यानी बी ने 4/5 हिस्सा कितने दिन में पूरा किया, 60 दिन में। अगर वह पूरा काम एक, यानी पूरा काम होता आपका एक,
यानी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 गुणा 5/4 करेंगे, 4 से गया 15, यानी 15 पंजे 75, यानी बी अकेला उस काम को 75 दिन में कर सकता था। यानी ए तो कर सकता था 50 दिन में और बी कर सकता था उस काम को 75 दिन में। तो इनका एलसीएम आ गया आपका 150, ये आ गया आपका टोटल वर्क। अब आएगा आपका एक दिन का कार्य, यानी एफिशिएंसी, एक दिन की कार्य करने की अक्षमता। 50 दिया आपका 150 होता है, 75 दुनी 150, यानी ए एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, परंतु बी एक दिन में 2 ही कार्य कर सकता है। अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा कर देंगे? यानी 150 कार्य है और एक दिन में करेंगे कितना? 5, यानी ए तो एक दिन में करेगा 3 और बी करेगा एक दिन में 2, तो ये हो गया आपका 30 दिन में, यानी दोनों मिलकर उसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको क्या दिया गया है? कुछ व्यक्तियों के समूह ने एक काम को 13 दिन में पूरा करने का निश्चय किया, परंतु 6 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए। शेष व्यक्तियों ने वह काम 15 दिन में पूरा किया। व्यक्तियों की वास्तविक संख्या क्या थी? इसमें मैं मान लेता हूं कुछ व्यक्तियों के समूह ने काम को 13 दिन में पूरा करने का निश्चय लिया, यानी कोई ठेकेदार है, उसने कोई काम 13 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया और कुछ मजदूरों को वह लगाता है काम पर, यानी एक्स मजदूरों को वह काम पर लगाता है और वह कहता है कि काम 13 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। परंतु हुआ क्या? परंतु 6 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, यानी किसी कारणवश 6 व्यक्ति आए ही नहीं। और अब काम आपका कितने दिन में पूरा हुआ? शेष व्यक्तियों ने काम 15 दिन में पूरा किया, यानी एक्स व्यक्ति आते तो काम कितने दिन में पूरा होता? 13 दिन में। परंतु हुआ क्या? 6 व्यक्ति आए ही नहीं काम पर और काम आपका 15 दिन में पूरा हुआ, यानी 13 दिन में पूरा होना था, वह 2 दिन लेट हो गया, यानी कितने दिन में पूरा हुआ? 15 दिन में। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, 13 की एक्स के साथ गुणा की तो आपका आएगा 13x, 15 की वैल्यू एक्स के साथ गुणा की तो 15x, 15 6 90, यानी हम 90 को इधर ले जाते हैं माइनस वाले को, प्लस वाले को इधर ले जाते हैं, या फिर आप इसको इधर ले जाइए और माइनस वाले को यहीं रखिए, यानी 13x-15x बराबर आपका हो गया -90, यानी यहाँ पर माइनस का 15x बड़ा है और 13x, यानी तो आपका 2x आएगा माइनस का और -90, और माइनस से माइनस कट हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो 90/2 आ जाएगा, यानी 2 इधर गुणा में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, जो कि होगा 45, यानी शुरू में उस व्यक्ति के पास 45 व्यक्तियों को लेकर वह 13 दिन में काम पूरा कराना था, परंतु उसकी जगह 6 व्यक्ति कम आए, कितने व्यक्ति आए? 39 व्यक्ति आए और 15 दिनों में काम पूरा किया उसने। तो ये आपका राइट आंसर है।